Hey guys, once again welcome to Shava's Makeover Channel. Yeah friends, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हेयर कट ट्यूटोरियल फॉर मीडियम लेंथ लेयर्स. जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो हेयर कट है ये मैं एब्लॉन्ग फेस के अकॉर्डिंग करूँगी. जिनका फेस एब्लॉन्ग है उसको किस तरह से आप छोटा दिखा सकते हैं, इस तरह से पूरा फेस फ्रेमिंग हेयर कट करके आपको दिखाना चाहती हूँ. मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये खूबसूरत सा हेयर कट मैंने कैसे किया है. और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर एंड आफ्टर. यस गाइस, वंस अगेन वेलकम टू श्यामास मेकओवर चैनल. जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हेयर कट ट्यूटोरियल फॉर मीडियम लेंथ हेयर स्टाइल फॉर लॉन्ग फेस शेप. जी हाँ फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप देख सकते हैं कि इस हेयर कट को कि कितना खूबसूरत लग रहा है. जिस तरह आपने बिफोर भी देखा है फ्रेंड्स कि कैसा इनका बिफोर इफेक्ट था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर. यू नो आफ्टर में आप देख सकते हैं काफ़ी सारा लेयर्स मैंने क्रिएट किया है. बैक से भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बाउंस है फ्रेंड्स. जिस तरह इनका बिफोर पिक्चर में आपने देखा कि कैसे एकदम स्ट्रेट फॉल कर रहा है, एकदम लिम्प हेयर थे, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको कितना अच्छा ये हेयर कट दिया है फ्रेंड्स. सो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा ये खूबसूरत सा हेयर कट मैंने कैसे किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो जी हाँ फ्रेंड, मैं अभी मोरक्कन ऑयल का ये फ्रिज कंट्रोल स्प्रे यूज़ करूँगी. बेसिकली ये सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है मोरक्कन ऑयल जो है, और ये मेड इन इज़राइल प्रोडक्ट होता है, और काफ़ी अच्छा होता है जब आप हेयर कट करते हो. हेयर कट से पहले अगर आप टॉवल ड्राई हेयर में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो उसके बाद जो आपका कट है वो काफ़ी ईजी होता है करने में, बालों में मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है फ्रेंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे, ये देखिए स्प्रे है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. मैंने पहले शैम्पू कंडीशनर किया, उसके बाद टॉवल ड्राई हेयर में मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ. उसके बाद जब मैं कट करती हूँ तो यू कैन सी दैट बालों में काफ़ी मॉइस्चर, बालों में काफ़ी शाइन क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स. सो सबसे पहले मैं बैक साइड के, मैंने ये ट्वेयर पार्टिंग किया, बैक साइड के बालों को मैंने सेक्शन क्लिप से टक किया. अब मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ. पहले मैंने मिडिल सेक्शन लिया, देख सकते हैं आप, ठीक है. मैं क्लाइंट का थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ फ्रंट से, क्योंकि मैं तभी उनको लॉन्ग फेस को छोटा कर सकती हूँ. तो सबसे पहले मैं फ्रंट का पोर्शन को शॉर्ट कर रही हूँ, कैन सी हियर, ठीक है. ये देखिए मुझे गाइडलाइन मिला है, उस गाइडलाइन को लेते हुए क्लाइंट के राइट साइड में आई हूँ और राइट साइड के बालों को कट कर रही हूँ. जब मैं कट करती हूँ मेक श्योर आप देख सकते हैं मेरा सीज़र जो है वो अबव की तरफ जा रहा है, अबव ऊपर की तरफ मेरा सीज़र जा रहा है. वो डायरेक्शन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, उससे काफ़ी इजी हो जाएगा आपको हेयर कट करने में फ्रेंड्स. सो फ्रेंड, जिस तरह से मैंने क्लाइंट के राइट साइड में कट किया है, सेम वे अपने लेफ्ट में भी कट करना है, ठीक है. यहाँ पे मेरा फिंगर डायरेक्शन देख सकते हैं, उस सिचुएशन में जब मैं राइट में कट कर रही थी तो मेरा जो फिंगर डायरेक्शन था वो था ऊपर की तरफ, ठीक है. यहाँ पे मेरा फिंगर डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, यू कैन सी. सो आप देख सकते हैं मैं भी चेकिंग कर रही हूँ दोनों साइड से, और क्राउन के बालों को आधा मैंने टक किया हुआ है, यू कैन सी. आधा बालों को निकाल के मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है. तो मैंने देखा कि राइट जो क्लाइंट का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे थोड़ा सा अनइवन दिखा मुझे, तो मैं उसको दोबारा से चेक करके थोड़ा ठीक कर रही हूँ. अब मैं क्लाइंट के राइट साइड में आई हूँ अगेन. सो बैक साइड के जितनी भी बाल हैं उसको मैं फ्रंट में कट कर रही हूँ.
फ्रंट में जो मैंने काटे थे बाल वो मुझे गाइडलाइन मिला है, उस गाइडलाइन को ले रही हूँ और साथ ही साथ बैक साइड के बालों को कट कर रही हूँ। सो सेम वे मैं अब क्लाइंट के लेफ्ट साइड में आई हूँ, लेफ्ट साइड के बालों को भी सेम वे में कट करूँगी जैसे मैंने राइट में कट किया है। देखिए फ्रंट में जो गाइडलाइन है वो ले रही हूँ और गाइडलाइन को लेते हुए बैक साइड के बालों को कट करूँगी। सेक्शन बाय सेक्शन मैं बालों को ले रही हूँ और पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ और काट रही हूँ। अब दोनों तरफ से काटने के बाद अब मैं बैक साइड में क्लाइंट को यू शेप क्रिएट करूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे यू शेप क्रिएट कर रही हूँ। तो यू शेप के लिए फर्स्ट स्ट्रेट कट करना है, सेकेंड आपने गाइडलाइन लिया, सेंटर में जो आपने स्ट्रेट किया वो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को लेते हुए आपने साइड के कट करना है, साइड के बालों को कट करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा यू शेप कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं कि यू शेप हेयर कटिंग ट्यूटोरियल, तो प्लीज़ आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा यू शेप हेयर कटिंग ट्यूटोरियल बाय श्यामाज मेकओवर। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स दिया है यू शेप को अच्छे से कैसे इजी तरीके से आप कट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं गाइडलाइन ले रही हूँ और गाइडलाइन को लेते हुए मैं साइड के बालों को भी कट कर रही हूँ यू शेप में। मेक श्योर याद रखिएगा आपका जो पोजीशन है वो चेंज होगा और फिंगर्स जो हैं वो चेंज होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पर नीटनेस दे रही हूँ। सो आई क्रिएट यू शेप हियर, यू कैन सी। जी हाँ, पूरा बेस को अच्छे से कट करने के बाद अब मैं टॉप पोर्शन में आई हूँ, टॉप एरिया बोलते हैं इसको। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसको 90 डिग्री में कट करूँगी, उसके बाद दो पार्टीशन में मैंने डिवाइड किया, फ्रंट के बालों को क्लिप लगाया और जो बैक साइड के बाल जो मैंने छोड़े हैं पीछे वो मुझे गाइडलाइन मिला है, उस गाइडलाइन को लेते हुए मैं कट करूँगी। इस तरह से मैं देखिए बैक साइड के बालों को भी ले रही हूँ और 90 डिग्री में उठा के कट करूँगी। फिर आपने इस पोजीशन में उठाया और इसको 90 डिग्री में कट किया। सो देखिए मैं कॉम कर रही हूँ, दोबारा चेक कर रही हूँ, मैंने देखा ठीक है। फिर मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड किया और ये देखिए जो गाइडलाइन है उसको मैंने छोड़ दिया नीचे। अब मैं इसको कॉम कर रही हूँ, उस गाइडलाइन को जो मैंने नीचे छोड़ा है उस गाइडलाइन को लेते हुए मैं सारे पीछे के बालों को भी कट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया 45 डिग्री में कट किया, उसके बाद कॉम कर रही हूँ और उसके बाद उसको 90 डिग्री में कट कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा गाइडलाइन लिया, अब कंटिन्यू करना है सेम वे, पहले 45 डिग्री में ठीक है कॉम किया, नीचे की तरफ किया मतलब 45 डिग्री में किया, थोड़ा सा हल्का सा उठाया मैंने और उसके बाद 90 डिग्री में किया। या फ्रेंड्स एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 45 डिग्री और 90 डिग्री में जब आप कट करते हो, 90 डिग्री जब आप बैक से करते हो तो जो 90 डिग्री है वो जहाँ से आप बाल उठाते हो उसके एकदम सीधाई में जाके कट करोगे तो दैट मीन्स दैट इज़ 90 डिग्री।
सो आप जिस तरह आपने लेफ्ट साइड के बालों को कट किया उसी तरह बैक से ही आपने राइट में भी कट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक एक पोजीशन का ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन लिया यहाँ से, ठीक है, जो काटे हुए बाल थे वो गाइडलाइन लिया और जो नहीं काटे वो बाल लिए थोड़े से, और उसके बाद जहाँ पे कट करना है उसके बैक साइड में खड़ी हूँ मैं और उसके बाद कट कर रही हूँ। यू कैन सी हियर, ठीक है, फिर गाइडलाइन ले रही हूँ और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा मैं राइट में ईयर्स के ऑलमोस्ट क्लोज आई हूँ और मेरा भी जो पोजीशन है साथ साथ चेंज हो रहा है। और ये देखिए 45 डिग्री और उसके बाद उठा के 90 डिग्री। नाउ फाइनली टाइम फॉर ब्लो ड्राई। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इनको देख सकते हैं आप, मीडियम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, डेनमिन का और मोरक्कोन का मीडियम ब्रश यूज़ करके मैं इनको ब्लो ड्राई करूँगी। ये यू कैन सी हियर जो मेरा सेक्शनिंग है, आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स एक एक सेक्शनिंग का कि मैं सेक्शनिंग कैसे कर रही हूँ। क्राउन सेक्शन लिया, दो साइड में मैंने क्लिप लगाया और बैक साइड में पहला हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया। देखिए पहले मैं ब्रश के साथ पहले आउट हीट दे रही हूँ, देखिए मीडियम ब्रश है उससे पहले आउट हीट दे रही हूँ, ठीक है, आउट किया, हीट दिया, फिर उसको ओपन किया, उसके बाद 90 डिग्री में उठाया और उसके बाद फिर ब्रश को टर्न किया और फिर हीट दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अब देखिए सेम वे मैं राइट वाला सेक्शन भी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन ही ब्लो ड्राई दिखा रही हूँ, इसी तरह आपने पूरे बालों में ब्लो ड्राई करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा और भी ब्लो ड्राई का ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ब्लो ड्राई बाय श्यामास मेकओवर, जी हाँ, या ब्लो आउट बाय श्यामास मेकओवर। उसमें आपको एक एक टेक्निक ब्लो ड्राई को कैसे करते हैं, शॉर्ट हेयर में ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, या बॉब हेयर में ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, या लॉन्ग लेयर्स में ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, एक एक आपको उसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे बालों में ब्लो ड्राई करने के बाद यू कैन सी हियर, वाओ सच अ नाइस एंड बाउंसी, एंड यू कैन सी हर फेस, अकॉर्डिंग टू हर फेस शी हैज़ अ ओब्लॉन्ग फेस, आई हैव गिवन हर नाइस अमेजिंग बाउंसी हेयर कट, ब्यूटिफुल अमेजिंग फेस फ्रेमिंग हेयर कट, यू कैन सी फ्रेंड्स, आई होप यू लव माई हेयर कट, एंड देयर इज मोर बाउंस फ्रॉम बैक एंड यू कैन सी सच अ नाइस अमेजिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये खूबसूरत सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाय गाइस, सी यू सून।